तो दोस्तों आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पर आपका काशी विश्वनाथ मंदिर दिख रहा है। ये सामने देख रहे हैं, जूम करके आपको दिखा रहे हैं। और अभी मैं हूँ आपका काशी विश्वनाथ धाम में। ये देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम दिया गया है रामेश्वर भवन। और आगे ही बढ़ने पर इस साइड ये जो प्रतिमा देख रहे हैं, ये आपका रानी अहिल्याबाई होलकर जी का, ये देख रहे हैं सामने। और मोबाइल जो अलाउ है ये देखिए पूरा आपका वही तक सीमित है, ये जो मेन प्रवेश द्वार देख रहे हैं यही तक मोबाइल आपको इस साइड जमा करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर भी एक प्यारा सा मंदिर है। ये देख रहे हैं, और देखिए सबसे खास बात है यहाँ पर देखिए एक तंबू लगाया गया है, यानी कि दर्शनार्थियों को धूप न लगे। और मैटिंग भी ये देख रहे होंगे जो कि बिछा हुआ है पूरा यहाँ से लेके पूरा जो गेटवे आप कॉरिडोर है वहाँ तक। ठीक है दोस्तों, और ये एक बैरिकेड भी लगाया गया है स्टील का, कि यानी कि इसी के बीचों बीच में सब लोग अपना दर्शनार्थी लोग जाएँ विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। ये सुबह का नज़ारा है, सुबह में देख रहे हैं भीड़ कुछ इस प्रकार है। और ये जो ऊपर देख रहे हैं ये देखिए एलईडी लाइट लगा हुआ है, देखिए इस समय सुबह का समय अभी भी जल रहा है। चलिए बंद हो जाएगा। सामने आपका है सोमनाथ भवन। ठीक है, तो चलिए आगे से घुमाते हुए तब आपको लेकर चलेंगे गंगा के पास, माँ गंगा के पास। और इस प्रांगण में देखेंगे तो कई सारा आपका नीम का पेड़ लगा हुआ है, ये जैसा कि देख रहे होंगे सामने इस साइड। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ने पर देखिए उस साइड आपका है लॉकर सुविधा उपलब्ध है, वो देखिए उस साइड सामने। जूता चप्पल निकालना होगा तो आप इस साइड निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मोबाइल चार्जर फ़ोन जो भी अन्य चीज़ें होंगे यहाँ पर आपको जमा करना होगा सामने। ये है बगल में आपका है अमृत भवन, और उसके बाद है घृणेश्वर भवन। ये देख रहे हैं, तो ये है आपके मंदिर के प्रांगण का अंदर का नज़ारा। और आगे बढ़ने पर यहाँ पर देखिए एक भारत माता की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा लगा हुआ है, ये देख रहे हैं सामने। एलईडी लाइट अभी भी जल रहा है, ये देख रहे हैं सामने। और यहाँ पर भी एक मंदिर है प्यारा सा, जिसका नाम है आपका श्री मांधेश्वर महादेव मंदिर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बैरिकेड लगा हुआ देखिए, इस साइड से आपको जाना है और इस साइड से मंदिर में जाने के लिए, इस साइड से बाहर जाने के लिए। अमरनाथ संकुल यानी जितने भी बिल्डिंगें हैं उसका पूरा नाम दिया गया है। और इस साइड आपका एक्सीलेटर लगा हुआ है, ये देखिए इस, चलिए आपको चल के दिखाते हैं, शायद इसमें बंद भी होगा, देख रहे हैं इस साइड मैं देख रहा हूँ चालू नहीं है अभी। बंद है, बंद है, बंद है।
देख रहे हैं विदेशी पर्यटक भी आपको देखने को मिलेंगे। आप ये देख रहे हैं सामने आपका है गेटवे ऑफ कॉरिडोर। और सबसे खास बात यह है कि देखिए इस विश्वनाथ धाम में यहाँ पर देखिए पानी पीने के लिए व्यवस्था बनाया गया है। ये देख रहे हैं और इस बिल्डिंग का क्या नाम दिया गया है, ये है आपका त्र्यंबकेश्वर भवन। और ये है आपका स्वामी शंकराचार्य जी का प्रतिमा। और इस बिल्डिंग को नाम दिया गया है कार्तिकेय संकुल। यहाँ पर देखेंगे पुलिस प्रशासन की टीम भी बैठी हुई है गेटवे ऑफ कॉरिडोर के पास। ये देख रहे हैं, तो चलिए हम लोग भी चलते हैं बाहर। देख रहे हैं जो मैटिंग पूरा बिछाया गया है, पूरा यहाँ तक बिछाया गया है। और ये जो बंदा ये है आपका रैंप, ठीक है। ये देख रहे हैं पूरा पत्थर का पूरा स्टॉक पूरा रखा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि देखिए यहाँ पर अब लाइट भी लग चुका है आधा से ज़्यादा, जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे। ये देख रहे हैं उस साइड आपका लग के तैयार हो गया है, उस साइड भी बीच में ही रुका हुआ है, ये भी लग गया है, इस साइड भी लग गया है, और इस साइड का भी लगाना बाकी है। ये जो लाइट है ये आपका इटली से मंगाया गया है ऐसा कहा जाता है। और ये जो देख रहे हैं आपका पिंक कलर में, ये है आपका जलासेन घाट पर स्थित सीवेज पंपिंग स्टेशन, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार देखेंगे तो अंदर भी देखिए एक लाइट लगा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके। ये देख रहे हैं अंदर भी लगा हुआ है इसी प्रकार का लाइट। ये देख रहे हैं दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी किया गया है पत्थरों पर। और देखिए स्नान करने वाला जो क्षेत्र है मैं उसको अब दिखाने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और देखिए जो लाइट है, लाइट देखिए अभी वहाँ पर रखा हुआ है, अभी उसको बांधा जाएगा। ये देख रहे हैं सामने ये ऊपर से आपका चढ़ाया जाएगा तार के माध्यम से। और उस साइड आपका है मणिकर्णिका घाट। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। और देखिए जो कार है यहाँ पर भी चुनार के पत्थरों को बिछाया जाएगा जहाँ पर देखिए पानी डूबा हुआ है ये सामने। और जो भी बचे कुचे कार हैं वो यही इसी साइड आपका है। यहाँ पर आपको फूल मालाएं भी मिल जाएंगी। इडली
ये देख रहे हैं आगे बढ़ने पर ये जो रास्ता, ये सीधे आपका ललिता घाट होते हुए, दशाश्वमेध घाट होते हुए 80 घाट तक चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए सीढ़ियाँ बनाने का कार्य चल रहा है, यहाँ पर पेड़ लगाया जा रहा है, यानी ये जो रास्ता ये भी आपका ललिता घाट पर चला जाएगा। ललिता घाट यानी कि जो पशुपतिनाथ मंदिर है सामने ऊपर, वो भी चला जाएगा। और देखिए मैं जहाँ से हाथ दिखा रहा हूँ, ये उंगली जो दिखा रहा हूँ, ये भी रास्ता आपका ऊपर से चला जाएगा पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाली मंदिर के लिए, ठीक है दोस्तों। और जो नहाने का जो है और जल लेने का जो जगह है वो है आपका इस साइड। चलिए इस साइड से मैं लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले जब काशी विश्वनाथ धाम फेज वन का जब उद्घाटन करने के लिए जब माननीय नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, यहाँ से गंगा जल जब लेते हैं, वो देखिए यही जगह है, यही जगह से जाते हैं मोदी जी, वहाँ पर स्नान करते हैं और गंगा जल ले जाकर वहाँ पर महादेव जी को अर्पित करते हैं। इस समय देखिए गंगा का भी जल स्तर थोड़ा कम हो गया, नहीं तो ये पूरा पानी लबालब पूरा यहाँ तक पूरा भरा रहता था। ये देख रहे हैं पूरा आपका जमीन भी दिख रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये जो लकड़ी का जो पूरा ये बना हुआ है ढांचा, ये स्नान करने के बाद लेडीज महिलाएं जो भी हो यहाँ पर अपना कपड़ा चेंजिंग रूम बनाया गया ये एक तरह से। और देखिए यहाँ पर भी आपका चुनार के पत्थर लगाने का कार्य चल रहा है, ये देख रहे हैं पूरा स्टॉक पूरा रखा हुआ है, अभी थोड़ा बहुत किनारे बचा हुआ है, देख रहे हैं ये पत्थर है और इस साइड देखिए किनारे बचा हुआ है, इस साइड बचा हुआ है, देख रहे हैं। तो पानी का भी जल स्तर कम हो गया है, थोड़ा नहाने में हो सकता है दिक्कत हो। सामने अलकनंदा क्रूज और उस साइड देख रहे हैं वो जो नीले कलर का है वो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर स्थित सीवेज पंपिंग स्टेशन। ये देखिए सामने जो लोग हैं, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये लोग आए हैं राजस्थान से, पहनावा देखिए विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। देख रहे दोस्तों अगर बाहर से अगर आप आ रहे हैं नाव के माध्यम से तो यहीं पर एक बनाया गया है जगह, जो कि यहाँ पर देखिए आपका नाव रुकेगा और यहीं से कहीं से आप ऊपर होकर या फिर स्नान करना स्नान कीजिए या फिर जाना हो विश्वनाथ दर्शन करने के लिए विश्वनाथ दर्शन कीजिए, ठीक है दोस्तों। और ये है नज़ारा कुछ इस प्रकार। सबसे अच्छी बात ये है कि देखिए जो पशुपतिनाथ जो मंदिर है उसके ऊपर आप देख रहे हैं ये पीपल का पेड़ है जो कि इस एरिया को और भी खूबसूरत बना देता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूं। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।